गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विकास अग्रवाल आपके लिए एक वीडियो बना के ला रहा हूँ मैं। ये वीडियो हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं सीट बेल्ट के ऊपर। कई बार हम लोगों ने सुना होगा ट्रैफिक पुलिस हमें बताती है कि हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए, और सीट बेल्ट हमारी सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन हम पुलिस वालों के डर से सीट बेल्ट लगाते हैं। अभी आपको जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ती है तब किस तरह का काम होता है। जैसे मेरी गाड़ी ये वेंटो है, फॉक्सवैगन कंपनी की है और 2011 का मॉडल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सीट बेल्ट का ऑप्शन नहीं आया। दोस्तों 2013-14 के बाद जो गाड़ियां बनी हैं उन गाड़ियों में सीट बेल्ट का बजर आता है, और वो बजर बार बार बजता है, बार बार बजता है। इसीलिए जब वो बजर बजता है तो हमारा ध्यान जाता है कि हम सीट बेल्ट लगा लें। जब तक वो बजर बजता नहीं है तो हमारा ध्यान सीट बेल्ट पर नहीं जाता है, या नहीं जाता था। अभी आप सबको पता है दोस्तों कि हमने रेड कलर की ऑडी Q3 खरीदी है। वेस्टिज बिजनेस ने हमको वो ताकत दी कि हम अपने लिए ऑडी खरीद पाए हैं। इसीलिए मेरी भी हैबिट चेंज हो गई, क्योंकि दोस्तों पिछले कई सालों से मैं वेंटो चला रहा था फॉक्सवैगन की, तो वहाँ पर मुझे सीट बेल्ट लगाने के लिए ऑप्शन नहीं मिलता था, या अंदर से वो मन नहीं करता था कि सीट बेल्ट लगा जाए। लेकिन अब जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ, क्योंकि ऑडी चलाने पर हमें ये हो गया कि बिना सीट बेल्ट के आप गाड़ी चलाओगे तो वो बजर बार बार बजेगा, और जब वो बजर बजता है तो कानों में जो आवाज़ जाती है तो आवाज़ इरिटेट करती है। जब वो आवाज़ इरिटेट करती है तो हमें लगता है कि हमें सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। ऑडी में तो साइड में जो बैठता है, मतलब ड्राइवर सीट के पास में जो सीट होती है, उनको भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, नहीं तो बजर बजता रहता है। तो दोस्तों ये मेरी हैबिट पड़ गई है कि अब बिना सीट बेल्ट लगाए हम गाड़ी नहीं चला सकते। हम ये बात आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से आज सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी हो गया है। पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि वो चालान के दर से सीट बेल्ट को या हेलमेट को लगवा पाए। तो अगर ऐसा कोई साइन हमारे यहाँ माइंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, अगर ऐसा कोई साइन हो जाए, कुछ ऐसा स्कूटर पर बैठने वाला व्यक्ति उसके दबाव से जब गाड़ी चले स्टार्ट हो, क्योंकि सीट बेल्ट का साइन कैसे होता है कि गाड़ी की सीट पे दबाव पड़ा और वो गाड़ी स्पीड ले रही है, क्योंकि ऑडी में, ये वीडियो ऑडी में बना रहा होता और उसमें 30 के ऊपर जैसी स्पीड जाती है, एक बार 30 को स्पीड ने क्रॉस करा तो आपको सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी हो जाएगा, नहीं तो वो बजर लगातार बजता रहेगा। टू व्हीलर में अगर ऐसा कुछ हो जाए कि बजर बजना शुरू हो जाए जब गाड़ी चल रही है, उसकी सीट पे कोई बैठा हुआ है, और गाड़ी जब आगे बढ़े 20-30 की स्पीड भी ले, तो उसके बाद उनको हेलमेट का बजर बजना शुरू हो जाए और वो बजर बजता रहे, लगातार बजता रहे, जिससे कि एक हैबिट लोगों को पड़ जाए, जैसी कि हैबिट मेरी पड़ी है कि ऑडी में बैठने के बाद मुझे वो बजर बजता है तो मुझे सीट बेल्ट लगाना ही पड़ता है, इसलिए मैं वेंटो में चलता हूँ तो भी सीट बेल्ट लगाता हूँ।
तो दोस्तों हमें लोगों की जो है हैबिट चेंज करनी है, डर के कारण नहीं, समझदारी के कारण। तो ऐसा कोई इजाद अगर कोई करने के लिए तैयार है तो उसको एक आइडिया दिया है मैंने कि आप स्कूटर के लिए हेलमेट कंपलसरी के लिए कोई ऐसा बजर अगर स्कूटर में ला सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे देश में नौजवान जो हैं वो सबसे ज़्यादा बाइक चलाते हैं और रफ चलाते हैं। अगर उनके पास हेलमेट रहेगा हमेशा, उनका सर हमेशा बचा रहेगा। दोस्तों मेरा YouTube चैनल है विकास अग्रवाल वेस्टीज, वेस्टीज बिजनेस करते हैं हम, विकास अग्रवाल हमारा नाम है। और WhatsApp नंबर है 9303131466। तो दोस्तों 9303131466 WhatsApp नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैंने जो वीडियो आपको बना के दिया है वो कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।